हेलो नमस्कार, हम कैसे वनकम वेलकम बैक मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद और दिस इज आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद प्रमोद। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूं, आई एम ऑल डेक्ड अप, एक नजदीकी राइड पे जा रहा हूं। एक्चुअली मैं फिलहाल बैंगलोर में हूं और बैंगलोर बाइक राइड करके ही आया था, बट आई डिड नॉट व्लॉग, वो वाला व्लॉग मैंने बनाया नहीं है। बट कोई बात नहीं, इस बार मैं आई एम गोइंग टू आदियोगी स्टैचू विच इज एट चिकबल्लापुर। तो आप लोग ने कई बार अभी बहुत सारा न्यूज में आ चुका रहेगा कि कोयम्बतूर में जो सदगुरु का आदियोगी स्टैचू है, तो सेम उन्होंने बैंगलोर साइड में भी एक बनवाया था चिकबल्लापुर, विच इज अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो वहां पे मैं राइड पे जा रहा हूँ आज, सो इट्स गोना बी ऑसम, मजा आने वाला है। और मैं आज डोमिनार पे जा रहा हूँ, लुक एट माय डॉग, बाइक इज ऑल डेक्ड अप। मैंने टैंक बैग लगा दिया है, टॉप बॉक्स लगा दिया है, मेरा हेलमेट और सब कुछ रेडी है, मैंने ग्लव्स भी ले लिया है। आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग, नो राइडिंग गियर्स फॉर टुडे, सो जस्ट एक नॉर्मल जैकेट है, ग्लव्स है, नथिंग मच। ऑलराइट, जल्दी से जल्दी राइड पे निकलते हैं, इट इज ऑलरेडी लेट, इट्स 8:55, 9 बजने को आए। हम लोग ने प्लान किया था 7:30 बजे सुबह में निकल जाएंगे, बट नहीं हो पाया। चलो चलो, लुक एट हर्षा, हाँ दो। ऑलराइट, लुक एट हर, हर्षा ने भी नया नया हेलमेट लिया है। एंड आज हम लोग कोई भी राइडिंग गियर नहीं पहन रहे, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी नियर बाय, उन्होंने सिर्फ शूज पहना है और हेलमेट, दैट्स इट, और ग्लव्स। आई एम होपिंग आप लोगों को आवाज़ बराबर से आती होगी। अभी हम निकल चुके हैं राइड पर, अभी समय हो चुका है 10, एग्जैक्टली 10 o'clock। तो हम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे, घर से निकले और डायरेक्टली नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ता किए, अभी हम लोग निकले राइड पे टूवर्ड्स नंदे हिल्स और आदियोगी जा रहे हैं। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग विथ हर्षा, आई मीन ऑफिशियली मैं हर्षा के साथ पहली बार राइड पर जा रहा हूँ, करेक्ट, ऑफिशियली। तो हमारी ये कहानी भी मैं बाद में आप लोगों को सुनाऊंगा, कभी फुर्सत में एक अलग से एक नया एपिसोड बनाऊंगा उसके लिए, तो बट एज ऑफ नाउ राइड की एपिसोड का एंजॉय करते हुए चलेंगे। ऑलराइट दोस्तों, आधा घंटा मैंने गाड़ी चलाया, आधे घंटे के बाद मुझे नेशनल हाईवे मिला, बैंगलोर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ बैंगलोर, अभी भी बैंगलोर में ही है हम। और ये नए नए ग्लव्स है ना, थोड़े से मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ऑब्वियसली नए नए ग्लव्स थोड़ा प्रॉब्लम तो देंगे। ऑलराइट दोस्तों, हम अभी गाड़ी में फ्यूल अप किया है, 810 रुपये का फ्यूल भरे हैं, एक ही काटा था वो भी ब्लिंक हो रहा था, तो सोचा भर लेता हूँ यार, अभी एक काटा छोड़ के बाकी फुल है। ऑलराइट दोस्तों, मेरा गोप्रो है ना कुछ गलत हरकतें कर रहा है, वो चल नहीं रहा बराबर, बार बार बंद हो रहा था। 15 मिनट में नंदी हिल्स के पार्किंग में पहुंचेंगे। और ये अंकल का देखो, ये अंकल क्या कर रहे हैं, जो भी ये बंदर है ना, वो बंदर को वो फीड करते हैं बटाटा वटाटा। ऑलराइट दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस व्लॉग को काफ़ी मज़े से एंजॉय करें। ऑलराइट दोस्तों, नंदी हिल्स पहुंच गए, पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर दिया, नाउ ऊपर जा रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग टू, और ये क्यों क्या हो रहा है भाई, ये तो उल्टा क्यों चल रहा है, मैं तेरे को चालू सीधा ही किया था ना। हाँ अभी सीधा हो गया। ऑलराइट, मैं कह रहा था मैंने अपनी गाड़ी पार्क तो कर दी, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग, सेकेंड टाइम आई एम कमिंग विथ हर्षा, फर्स्ट पहली बार मैं हर्षा के साथ आया था, सेकेंड टाइम अकेला आया था, और अभी तीसरी बार फिर हर्षा के साथ, अभी अकेला वाला टाइम चला गया, अभी सिर्फ हर्षा के साथ आना है। ऑलराइट, अभी ऊपर जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने वाला हूँ मैं, इट इज़ दो बार आ चुका, अभी इस गर्मी में ऊपर क्या ही करूँगा, बट राइड एंजॉय करने के लिए इस तरफ आ गया मैं। एक छाछ लेंगे और एक माउंटेन ड्यू,
डर के आगे जीत है। तो यहाँ पे नेटवर्क बराबर होता नहीं है, तो मेक श्योर यू ब्रिंग हार्ड कैश, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, ये ऊपर चल के भी जा सकते हैं, बट अभी नया नया गवर्नमेंट की तरफ से ना ये प्रोविजन आया है, तो आप ना गवर्नमेंट बस में बैठ करके ऊपर जा सकते हो। सो वो सारा का सारा ऊपर दिखाएंगे और लेकर के भी आएंगे, सो इट्स अ गुड थिंग। नेटवर्क आ तो रहा है, अभी इधर नेटवर्क आया, उधर नहीं था। ऑलराइट दोस्तों, मैं ना अभी नंदी हिल्स का ज़्यादा बड़ा सा कुछ ऐसा व्लॉग नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखना है ना, तो मेरा एक पुराना व्लॉग है नंदी हिल्स के बारे में, तो वो व्लॉग देख लो। और हम लोग अभी आए हैं, थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। हम लोग पहुँच गए ऊपर, हर्षा थोड़ी सी थकी हुई है, उससे ये जो चढ़ान है ना, चढ़ा नहीं जा रहा था। एनीवे, जोक सपाट, मैं ऊपर पहुंच गया हूं। ये जो टेंपल दिख रहा है, दिस इज़ योग नंदीश्वरा स्वामी टेंपल है, और वहां पे एक पॉइंट है, ये टेंपल है, यहां पे एक इसके पीछे एक पॉइंट है। तो हम सिर्फ पॉइंट पे जाएंगे, टेंपल पे नहीं जाएंगे। एंड दो बार आ चुका, तो इसके पहले दोनों बार मैं टेंपल में जा चुका हूं। बाहर से दर्शन लेंगे, बस बाहर बाहर से दर्शन ले लेंगे, बाकी व्यू पॉइंट देखेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, एंड देन विल गो बैक। ऑलराइट, ये व्यू पॉइंट को देखो, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बहुत ही हवा आता है। ये इस तरफ किधर भी बैंगलोर नहीं है, बैंगलोर पता नहीं कोई और ही तरफ है, उस तरफ किधर तो भी है। और ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे इतनी ऊंचाई है, वहाँ पे हर्षा को लास्ट टाइम बहुत डर लगा था, है ना। एंड दिस यू नो, मतलब प्रॉपर क्यों नहीं कर सकते थे, ऐसे वाला रेलिंग क्यों किया है जिससे सारा नीचे दिखता है, जितना नीचे दिखता है उतना और फटता है। ये देखो, ये सब हमें देखना है कर्नाटका में, स्टार्ट करना है ऐसे। ये सब है चिकमगलूर में, श्रृंगेरी, बीजापुर, मैसूर पैलेस, मुरुडेश्वरा, हम्पी, तलाकावेरी, तलाकडू, केमंगुंडी, जोग फॉल्स। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट ये नंदी हिल्स ख़त्म हो चुका है। जाते जाते ना एक चीज़ मैंने देखा था पर आप लोगों को बताया नहीं, दैट इज़ दिस थिंग। यहाँ पे ना यू कैनॉट टेक ऑल दिस प्लास्टिक बॉटल्स, ऊपर लेकर के जाना मना है प्लास्टिक बॉटल्स, सिगरेट हुआ, अल्कोहल हुआ, ऐसा कोई कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। टप्पर वेयर के ऐसे अच्छे वाले बॉटल्स होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दिख रहा है वो जो ये लाइन में सेकंड वाली गाड़ी हमारी है, और एक दोस्तों हम लोग है ना नंदी हिल से निकले थे, तो नीचे उतरते ही कौन सा पराठा था, इंडियन पराठा करके रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए। काफ़ी नींदीन सा हो रहा था हम लोग को, थकावट सी, क्योंकि रात को खास सोया नहीं। बहुत दिनों के बाद मैं राइड पे जा रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, तो वो खुशी भी थी, इसके वजह से वो थकावट सी हो गई, क्योंकि खास कुछ सोया नहीं था, प्लानिंग वानिंग हो चुका था बट नींद पूरा नहीं हुआ। ऑलराइट, मंदिर के प्रीमाइसिस में जा रहे हैं हम। मुझे पता नहीं यहाँ पे वीडियोग्राफी परमिशन है या नहीं, बट भोजनशाला, आई कैन रीड, वू, दिस इज ऑसम, इट्स एन ऑसम टेम्पल गाइस। ये देखो स्तंभ, स्तुपा इज बुद्धिस्ट प्लेस, वहाँ अंदर मंदिर है। ये मंदिर के सारे पिल्लर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ पिल्लर्स। काफ़ी ठंडा है, मौसम बहुत ही अच्छा है। ओके, ऐसे पत्थर है यहाँ पे, कुछ तो लिखा हुआ है, लिपि है, जो हमें समझ में नहीं आएगा। हाँ, दिस आर ऑल वन स्टोन कार्व्ड आउट, एक ही जैसा पिल्लर सब जगह, कॉर्नर्स में एक ही जैसा पिल्लर है, यहाँ पे अलग है, यू सी दिस। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी अंदर जाता हूँ, दर्शन लेता हूँ, आई रियली डोंट वॉन्ट टू फिल्म इनसाइड, बोलो परमिशन देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, अरे बाहर बाहर का एक इन फिल्म, अंदर का नहीं करूँगा मैं, लेट्स नॉट डिसरेस्पेक्ट दी डेटी हियर। हाँ नहीं, हाँ हाँ, ऑलराइट दोस्तों, दर्शन करके हुआ,
थोड़ा आराम भी करके हुआ। इट वॉज टू बिग, टेम्पल परमिशन बहुत बड़ा है अंदर, ठीक है। अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ रहे हैं। अभी आपको ये दिखाते हैं मेन एंट्रेंस कैसे दिखता है। मेरे को तभी दिखाना चाहिए था, पर आई वाज स्केप्टिकल कि परमिशन होगा नहीं होगा इसके लिए। नंदीश्वर टेम्पल हम जा रहे हैं अभी। ईशा योगा सेंटर आदि होगी। पहाड़ियों के बीच में होगा आदि योगी स्टैचू, आई एम श्योर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। देखो दूसरों के खेती में जाके लोग फोटोज निकाल रहे हैं। लुक एट द ट्रैफिक। गुड दैट वी आर ऑन बाइक। सतगुरु जी को ऐसा कुछ ऐसा ब्रिज बनाना पड़ेगा डायरेक्ट उधर। गाइस सच्ची में काफी सारा ट्रैफिक है। ओहो लुक एट दैट गेट। पहुंच ही गए हो। क्या क्या सीन है देख। उधर से सूरज भगवान, ही इज हाइडिंग बिहाइंड द माउंटेन, द अबोड ऑफ योगा। शिव जी के पास जाने के लिए फुल ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है दोस्तों। ईशा योगा सेंटर। एक्चुअली ना ईशा योगा सेंटर वो वाला है, दिस इज कॉल्ड सदगुरु सन्निधि। दोस्तों हम पहुंच गए, यहाँ पे बाइक का पार्किंग है। ओके अभी वो आदि योगी स्टैचू, ये कार पार्किंग, ये बाइक पार्किंग और ये खाने पीने का चंद्रमुखी रेस्टोरेंट। और इस दीवार के पीछे बम बम बोले। और अब देखोगे ना ये पूरे चारों के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ सराउंडेड बाय माउंटेन्स।
Devi Parvati seeing Adiyogi reveling in ecstatic states said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman.